अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपके साथ शबीना नास और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आजकल सोशल मीडिया पर दो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस तस्वीर पर सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर एमपी की है और दूसरी तस्वीर पीएम की है। पीएम के लफ्ज से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो एमपी कौन है जिनकी तस्वीर नरेंद्र मोदी जी के साथ वायरल हो रही है। आइए पहले आपको दिखाते हैं वो दोनों तस्वीरें। ये है वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर और ये है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर। दोनों तस्वीर में ये फर्क जताया जा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब हैदराबाद से अपना नामांकन पत्र सबमिट कर रहे हैं तो उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर अदब में खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी अपना नामांकन पत्र सबमिट करते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर खड़े नहीं होते हैं। प्रोटोकॉल यही है कि रिटर्निंग ऑफिसर अपनी सीट पर बैठे रहेंगे और उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र खड़े होकर दाखिल करेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर होम मिनिस्टर या फिर कांग्रेस के सदर या बीजेपी के प्रेसिडेंट हो या फिर कोई और। इसलिए प्रधानमंत्री के रिटर्निंग ऑफिसर ने बिल्कुल गलत नहीं किया। नामांकन का यही तरीका है, लेकिन हैदराबाद में रिटर्निंग ऑफिसर ने खड़े होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन पत्र कबूल किया। हिंदुस्तान में खड़ा होना अदब और एहतराम समझा जाता है। सोशल मीडिया में ये दोनों तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये दोनों तस्वीर पोस्ट करके यूजर्स लिख रहे हैं कि जिसकी जैसी हैसियत है उसके साथ वैसा ही सलूक किया गया है। किसी ने लिखा, बड़े ओहदे पर पहुंच जाने पर कोई इंसान बड़ा नहीं बन जाता, बल्कि अपनी काबिलियत, इल्म और अपने कैरेक्टर की वजह से बड़ा बनता है। ओवैसी दिलों पर हुकूमत करते हैं और इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके सामने खड़े होकर उनका नामांकन पत्र एक्सेप्ट किया। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए मिल्लत टाइम। अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।